डिजिटल कंप्यूटर बुंडू, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे पेन ड्राइंग। यदि आपने पेन ड्राइंग का पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे अवश्य देख ले। पेन ड्राइंग पार्ट वन में आपने सीखा था कि पेन ड्राइंग में सारे टूल्स के बारे में। अब हम सीखते हैं पेन ड्राइंग में शेप्स की मदद से ड्राइंग बनाना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पेन ड्राइंग खोल लेते हैं, स्टार्ट बटन, और यहाँ पर देखिए आपका पेन का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो हम लोग का बस अब पेन खुल गया। पेन खुलेगा कुछ इस टाइप से, आपका स्क्रीन दिख रहा है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइन शेप्स की मदद से हम लोग कुछ ड्राइंग करने सीखते हैं। तो लाइन शेप्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कुछ घर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया हम लोग का लाइन शेप्स, और हम लोग लाइन शेप्स की मदद से हम लोग बना रहे हैं घर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप लाइन खींचेगा तो शिफ्ट दाब के खींचेगा। इसमें क्या होगा, लकीर सीधा सीधी लकीर खींचेगा, ठीक है। इसमें देखिए सीधा लकीर खींच रहा है, ठीक। और थोड़ा नीचे यहाँ पर आके फिर से सीधा लकीर खींचते हैं। ये हम लोग का दो लाइन हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से फिर एक लाइन खींचते हैं इधर। ये हो गया जस्ट इस टाइप का। फिर यहाँ से भी एक लाइन खींच लेते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, अब धीरे धीरे करके इधर लाइन से ही टोटल हम लोग को पूरा घर हम लोग को लाइन शेप से ही बनाना होगा, ठीक है। बनाते धीरे धीरे करके, बस आप देखते जाइए कैसे बनता है। जब भी आप सीधा लकीर खींचिएगा सिर्फ दाब के खींचिएगा, वो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। और जब भी ऐसा टेढ़ा वाला लकीर खींचना होगा तो आपको क्या करना होगा, सिप को छोड़ देना है। बिना सिप के साथ आपको ऐसा लकीर खींचना है। ये बना। अब हमको सीधा लकीर के लिए सिप दबा के खींचते हैं। इधर भी सीधा लकीर के लिए सिप दबा के खींचते हैं। इधर भी सीधा लकीर के लिए क्या करेंगे, सिप दबा के खींचेंगे। ये हम लोग का बन गया आधा। अब सिप दबा के इसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ तक पूरा लकीर खींच लेते हैं लाइन तक। अब इसको जब हम लोग टेढ़ा लकीर खींचेंगे तो बिना सिप के साथ खींचना है। इस लाइन को हम लोग यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको कर लेते हैं, बस स्टेप को सिप दबा के खींचते हैं। सिर्फ दबा कर ही लकीर खींचेंगे। अब हम लोग दरवाज़ा बना रहे हैं और खिड़की बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा बना लेते हैं। दरवाज़ा के लिए हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, ये बीचों बीच में ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल शेप, और एक लाइन शेप लेते हैं हम। अभी गोल वाला शेप से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ बना लेते हैं। जब भी खिड़की बनाना हो तो खिड़की बनाने के लिए हम लोग फिर से रेक्टेंगल शेप लेते हैं। लाइन शेप की मदद से बना लिए। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने से क्या लाभ होगा, हम लोग को ये चीज हम लोग को बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, कुछ सेलेक्ट टूल में आइएगा, ऐसे क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके इसको घेर देना है। घेरने के बाद इस कॉपी का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, या कंट्रोल सी भी आप कीबोर्ड से दबा सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं, उसका पेस्ट के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल भी दबा सकते हैं, या इसमें आप क्लिक कर दिए पेस्ट में, देखिए आ गया आपका, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हम लोग को बार बार ये शेप्स हमको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका खिड़की, ये आपका तैयार हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब आगे बनाते हैं। अब हम लाइन ले लेते हैं।
लाइन से बनाते हैं, आगे इधर शिफ्ट दबा के लकीर खींचते हैं। पैरों की से आगे खिसका सकते हैं, यहाँ भी एक लाइन खींच देते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग, इधर खिड़की बनाते हैं, ठीक है, और एक लाइन लेते हैं यहाँ पर, सिर्फ दबा के खींचते हैं, यहाँ पर हम लोग खिड़की बना लेते हैं। खिड़की के लिए फिर एक रेक्टेंगल शेप्स लेते हैं और लाइन शेप्स की मदद से हम लोग बनाते हैं, सिर्फ दबा के खींचते हैं। और ये रेक्टेंगल शेप्स हो गया आपका, फिर से बना लेते हैं। फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के लिए सेलेक्ट टूल पे आके इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और बस इस कॉपी का ऑप्शन में क्लिक कर देना है और फिर पेस्ट का ऑप्शन में क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आ गया आपका, आप यहाँ से बना लीजिए खिड़की, आपका खिड़की बन गया। आपका दरवाज़ा के लिए फिर एक दरवाज़ा बनाते थे, उसके लिए एक दरवाज़ा बना लेते हैं इधर हम लोग, एक रेक्टेंगल शेप ले लिए और आपको लाइन शेप ले लेते हैं, फिर दबा कर देते हैं। ये आपका बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं इधर फिर से दरवाजा, तो उसके लिए रेक्टेंगल स्टेप्स फिर से लेते हैं, बना लिए। अरे और एक गोल शेप ले लेते हैं, गोल शेप्स में क्या होगा, इस स्टेप से गोल राउंडेड टाइप का आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो आ गया, पर इस लाइन को हमको मिटाना है, तो मिटाना का प्रयोग करते हैं। मिटाना को बड़ा करने के लिए कंट्रोल दबा के प्लस दबाइएगा, तो प्लस होगा मतलब बड़ा होगा उसमें इरेजर, और जब कंट्रोल दबा के माइनस करेंगे तो क्या होगा, इरेजर छोटा होगा। देखिए कंट्रोल और माइनस को एक साथ दबाना है तो छोटा होगा, कंट्रोल प्लस को एक साथ दबा के रखना है तो बड़ा होते जाएगा। अभी लाइन शेप्स की मदद से बनाते हैं हम लोग, शिफ्ट दबाते हैं। जब भी आपको टेढ़ा लकीर खींचना हो बिना शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कुछ लाइन शेप्स की मदद से इस टाइप का बन गया हम लोग का शेप्स, ये हम लोग का दरवाजा हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से यहाँ खिड़की बनाने के लिए एक रेक्टेंगल स्टेप्स लेते हैं, अब लाइन स्टेप्स की मदद से लकीर खींचते हैं। हम लोग का घर ड्रो हो गया, पूरा पूरी बन चुका है, जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको यहाँ पर मिटा देते हैं। अब इस टेक्स्ट टूल की मदद से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं ताकि हम लोग जब बाद में भी इसको खोलेंगे तो खोलकर इसको आराम से देख पाएंगे। तो हम लोग इस ऑप्शन पर आइएगा, यहाँ पर एक डॉट टाइप का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हैं और जस्ट इस तीसरा नंबर में देखिए सेव का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करते हैं और सेव कर लेते हैं इसको हम लोग। सेव हो चुका है, अब इसको कट कर दे रहे हैं। अब हम लोग फिर से खोल कर देखना चाहते हैं तो हम लोग स्टार्ट बटन से फिर से हम लोग पेन खोलते हैं और आप इस डॉट का ऑप्शन पे आके क्या कीजिएगा, जैसे होम 01 से सेव किए थे, अब कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं, उस नाम पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये हम लोग जो घर बनाए थे ये घर पूरी तरह बन गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम लोग और भी हम लोग कुछ कुछ ड्राइंग बनाने सीखेंगे, तो इस वीडियो पर बस इतना ही।